हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम मिलवाएंगे अपने ही पेशेंट से जो बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर सुमित कुमार गोयल, रहने वाले हैं अलवर के। अब हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे कि कैसे इनकी बीमारी डायग्नोज हुई और क्या क्या चेंजेस, क्या क्या सुधार आए हैं 1 month ऑफ ट्रीटमेंट के दौरान। क्योंकि इनिशियली जब पेशेंट आए थे हमारे पास, काफी घबराए हुए थे, ट्रीटमेंट को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन थी माइंड में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक मेडिसिन किडनी फेलियर कभी भी ठीक नहीं हो पाता, इसका 100% रिवर्सल नहीं होता। 100% रिवर्सिबल ये बीमारी नहीं होती, लेकिन हम इसे मैनेज कर सकते हैं थ्रू अपना अच्छा लाइफस्टाइल रखते हुए, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। जिस कारण से ये बीमारी हो रही है उस कारण को नज़रअंदाज ना करते हुए, उस पर फोकस करते हुए और स्पेशली उसका ध्यान रखते हुए। क्योंकि अगर हम रीज़न को हटा देते हैं जिस कारण से किडनी खराब हो रही है, तो पेशेंट की किडनी कुछ कुछ फिल्ट्रेशन लेना स्टार्ट करती है इनिशियली। मेडिसिन की सपोर्ट से जब ये फिल्ट्रेशन लेना स्टार्ट करती है, तो पेशेंट की क्रिएटिनिन वैल्यू, यूरिया वैल्यूज डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो समझना ये ज़रूरी है कि दुश्मन क्रिएटिनिन नहीं है, दुश्मन है वो रीज़न जो ख़राब कर रहा है हमारी किडनी को। इनके केस में वो दुश्मन है हाइपरटेंशन, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से इनकी बॉडी में प्रेजेंट था, एक साइलेंट किलर की तरह पड़ा हुआ था। इन्हें कभी पता नहीं चल पाया कि बीपी बढ़ भी रहा है, क्योंकि जब हमने इनकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स देखी हैं उससे हम आइडिया लगा पा रहे हैं कि पेशेंट की जो किडनी खराब हुई है वो हाइपरटेंशन की वजह से हुई है, क्योंकि दोनों ही किडनी के साइज के अंदर श्रिंकेज देखने को मिल जाती है। तो वही कंडीशन इन पेशेंट के अंदर प्रेजेंट था। जब इनिशियली सुमित जी आपको बीमारी का पता चला, नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए गए? नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए गए। ठीक है, कुछ मैचिंग नहीं हो रहा था वेट लॉस की तरह। उस समय के डॉक्टर से, जैसे मैं अभी डेंटिस्ट होने के नाते, तो मैंने डॉक्टर से उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि आप रियली ओके हैं, अपन इसके लिए एलएफटी केयर भी करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई सिम्टम नहीं थे, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि नोटिस नहीं। उसके बाद जैसे उन्होंने एलएफटी केयर भी किया, तो उन्होंने कहा कि इससे करने से पहले आपकी यूएसजी एक बार कर लेते हैं। तो उन्होंने किया, तो उन्होंने कहा कि किडनी की जो साइज है वो कम हो गई है। कोई सिम्टम नहीं था। फिर उसके बाद हम तुरंत ही नेफ्रोलॉजिस्ट से कॉन्टेक्ट किया, उनको जैसे जयपुर मैंने दिखाया, अहमदाबाद आईकेडी में भी दिखाया। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने जैसे उस समय तक जाते जाते मेरा जैसे घबराहट से सब कुछ से मेरा जो क्रिएटिनिन था वो वहाँ 11.2 हो गया। अच्छा। उसके बाद जैसे वहाँ दिखाया, दिखाने के बाद उन्होंने लास्ट में कहा कि डायलिसिस होकर ये ट्रांसप्लांट होगा, बाकी बॉडी में सच कोई सिम्टम है नहीं। मैंने उसमें देर नहीं की कुछ भी, मैं यहाँ आपका जैसे वीडियो देखकर डॉक्टर पुरु धवन जी का और आपका प्रगति मैम का, उनसे मैंने देखा सब कुछ देखकर, उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार अपने को साई संजीवनी चलना चाहिए। थोड़ा मन में कंफ्यूजन ये था कि आयुर्वेद और एलोपैथ का बिल्कुल रहता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के माइंड में ये मिथ है कि आयुर्वेद से कोई नहीं। बाकी एज ए मैं जैसे बाय प्रोफेशन मेडिकल में होने के नाते मैंने जैसे ये सब कुछ देखा कि सीकेडी एकेडी में अपने को डिफरेंस देखा, इसके सिम्टम में देखा कि इसकी लाइफ स्टेज ऐसे होती है, इतना होता है। तो फर्स्ट टाइम विजिट किया था तो काफी सारे कंफ्यूजन और घबराए, बट अब ऐसी कोई अब घबराहट नहीं है। अब मेरे को क्या है कि ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस डबल हो चुका है कि अपन इस रिपोर्ट्स में चेंज नहीं, चेंज भी दूसरी बात है कि मेरी बॉडी में ऑटोमेटिक जैसे जो चेहरे का जो लुक है उसमें, मैं उस समय बिल्कुल एक तरह से डिप्रेशन में जा चुका था। मेरे को ये लगा कि हाँ, मैंने कभी क्या है कि किसी तरह का कोई शौक नहीं किया, पुअर वेजिटेरियन है, घर में हम घरेलू खाने के अलावा कुछ बाहर का खाते नहीं है, सब
नहीं नहीं कुछ भी नहीं खाते थे। मैं ये मान सकता हूँ कि मेरे जो वर्किंग कैपेसिटी थी वो ज़्यादा थी एज ए डेंटिस्ट होने के नाते। बाकी मेरे पास आउटडोर जैसे आपके यहाँ है बहुत ज़्यादा आउटडोर है, तो मैं ये मानता था कि स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। अच्छे से आती थी, बाकी मैं प्रोफेशन के प्रति भी डेडिकेटेड था, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था। बाकी फिर मैंने देखा कि भगवान ही, अब कुछ भी नहीं। बाकी मेरी जितनी उम्र नहीं थी उससे ज़्यादा मैंने काम किया प्रोफेशन में। फिर मेरे को एक झटका सा लगा, मैंने सोचा कि अपन ने सब कुछ किया भी नहीं और इतनी सी उम्र में ये सब कुछ बीमारियां। क्योंकि इनिशियली एक्सेप्ट करना ही मुश्किल होता है जब सडनली डायग्नोस होता है, क्योंकि बॉडी में एज सच बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं थे, क्योंकि बॉडी में बीमारी तो लंबे टाइम से बन रही थी, पर हर एक पेशेंट की बॉडी में सिम्टम्स जल्दी नजर नहीं आते। और सबसे ज्यादा खतरनाक क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होना। क्योंकि जब भी कभी कोई सिम्टम्स आते हैं, चाहे पेन है बॉडी में या आपको कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, स्वेलिंग है, तो वो चीजें पकड़ में जल्दी आती है। और जो पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जैसे आपके केस में रहे, बहुत कम, बस एक वेट लॉस था, वो नॉर्मली लगता है कि हमने डाइट अच्छी नहीं ली या और वैसे मैंने रूटीन चेकअप हर ईयरली करवाता था, एवरी ईयर कभी इतना मैंने एटलीस्ट की 2019 में भी करवाया। उस समय क्या है कि मैंने डॉक्टर को कहा भी था कि जैसे आप एक बार अपन कर लेते हैं, उन्होंने कहा कि सुमित ऐसी कोई मत घबराओ, आपको इतनी सी एज में आप तो फिट फॉर फिट हो, सुबह 7 बजे से रात तक लगे रहते हो, आपको कोई काम का फुर्सत ही नहीं है, आपको बीमारी का कोई मतलब ही नहीं है। और बाकी मैं अपने आप में भी कॉन्फिडेंस था कि अपने को इस तरह की कोई बीमारी नहीं हो सकती। और वहाँ सब कुछ डायग्नोसिस किया था उन्होंने मेरे को, हमेशा मेरे फादर को हार्ट की प्रॉब्लम होने से मेरे को हार्ट का चिंता रहती थी कि मेरे को हार्ट की कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। बाकी मैंने हार्ट का चेकअप कई बार करवाता रहता था। बाकी मैंने एक बार वैसे ही किडनी के लिए भी कहा था, बाकी उन्होंने कहा कि नहीं आप बेवकूफ़ वाली बातें कैसे कर रहे हो, यूरिन यूरिन सब कुछ अच्छा आ रहा है, ऐसा कोई सिम्टम ही नहीं है। बाकी वो क्या है कि जैसे कहते हैं कि जिस चीज़ का डायग्नोसिस नहीं करवाया वो ही निकल। इसलिए पेशेंट्स को ध्यान क्या रखना है कि आपकी बॉडी में अगर वेट लॉस भी मिल रहा है तो उसको भी आपको हल्के में नहीं लेना है। जरूरी नहीं आप किडनी ट्रबल से ही सफर कर रहे हो, किडनी की बीमारी से ही सफर कर रहे हो। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिसकी वजह से वेट लॉस देखने को मिल जाता है। इसलिए अपने रूटीन चेकअप्स आफ्टर द एज ऑफ 30 स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे पहले हम 40 के बाद प्रेफर करते थे, बट आजकल के एरा में जो लाइफस्टाइल बहुत बिजी रहता है, स्ट्रेसफुल रहता है, तो आफ्टर 30 हमें अपनी डाइट का, अपने लाइफस्टाइल का चेंजेस कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अपने नॉर्मल रूटीन चेकअप जरूर करवाओ ताकि अनडायग्नोस चीज ना जा पाए, जैसे आपके केस में, क्योंकि सिम्टम्स आए नहीं एज सच। ठीक है, तो अभी हमने जब स्टार्ट किया था ट्रीटमेंट, जिस दिन आप आए थे, हमारा क्रिएटिनिन 10.91 था और यूरिया 136 और प्रोटीन लॉस 2+ हो रहा था, यस है ना। बीपी उस टाइम पे भी हमने मेडिसिन कंट्रोल में चल रहा था, आगे अब और अच्छा चल रहा है, तो उसकी हेल्प से क्या हुआ है, यूरिन में प्रोटीन लॉस काफी हद तक कंट्रोल हो गया, ट्रेसेस में आ गया। ट्रेसेस में यूरिन प्रोटीन में, यूरिन प्रोटीन का ट्रेसेस में होना इंडिकेट ये करता है कि इस टाइम किडनी रिकवरी की तरफ है, क्योंकि यूरिन में प्रोटीन क्या इंडिकेट करता है कि कितना लॉस किडनी कितना डैमेज हो रही है इस टाइम। तो 2+ से ट्रेसेस में आना 1 मंथ के अंदर काफी अच्छी रिकवरी है किडनी के एंड में, आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है ट्रीटमेंट को लेकर। हमें थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, अब हम लाइट रूटीन आपका थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे डाइट को, क्योंकि वजन हमारा थोड़ा सा घट रहा है। इनिशियली हमने ये प्रोटीन फ्री डाइट पे रखा था, क्योंकि जब ये आए थे तो हम बिल्कुल ऐसी वर्ष पे थे कि कभी भी डायलिसिस हो सकता है पेशेंट का, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने इनिशियली फॉर 1 मंथ पेशेंट को प्रोटीन फ्री डाइट पे रखा, लेकिन खाना पीना बंद नहीं करवाया था। जो बाकी चीजें अलाउड थी उसे पेट भर के खाना जरूरी है, वरना पेशेंट की बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होती, क्योंकि आप जैसा काम करते हो, बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हो, पूरे दिन हमें स्टैंडिंग पोजीशन में रहना पड़ता है, तो उस कंडीशन में हमें बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए तभी हम काम कर पाते हैं, वरना पेशेंट बेटर बन जाता है। अब आगे के लिए, क्योंकि हमारे जो क्रिएटिनिन यूरिया वैल्यूज है पहले से डाउन आ गई है, क्रिएटिनिन 7.5 आ गया, यूरिया 17.8 है और आपका यूरिन में प्रोटीन ट्रेसेस हो गया, पहले से हम काफी अच्छी रिकवरी की तरफ जा रहे हैं विद इन 1 मंथ ट्रीटमेंट, पेशेंट हमारी बॉडी अच्छी रिस्पॉन्ड कर रही है, स्ट्रेंथ हो रहा है। अब इस कंडीशन में मैं इनका लाइट प्रोटीन ऐड कर रही हूँ, इसलिए ताकि पेशेंट की बॉडी में और कोई कॉम्प्लिकेशंस जनरेट ना हो, क्योंकि प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, लंबे टाइम हम इसे ना लेते हुए आगे के लिए अपनी
लाइफ को नहीं निकाल सकते क्योंकि पेशेंट की बॉडी में वीकनेस जनरेट होती है, और जैसा इनका लाइफस्टाइल है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, डेली रूटीन है, उसके अकॉर्डिंग इनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो हर एक पेशेंट के एंड पे अलग अलग होता है, आपको गाइडेंस के अंदर ही चीज़ों को करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे डॉक्टर सुमित ने पूछा कि इनके रेजिमेंट के हिसाब से, इनकी कंडीशन के हिसाब से क्या इन्हें प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उसी कंडीशन में मैं लाइट प्रोटीन मूंग मसूर की दालें थोड़ा थोड़ा अलाउ कर रही हूँ। आप वीक में 3 से 4 बार ले सकते हो। ऑल्टरनेटिव डेज में मिल्क स्टार्ट कर दो, गाय का दूध 500-100 ml के अंदर ले सकते हो। तो अगर डेली हम थोड़ा थोड़ा भी प्रोटीन बॉडी के अंदर लेते हैं, बॉडी में स्ट्रेंथ बनी रहेगी और आगे इस बीमारी से आप लड़ पाओगे। क्योंकि किडनी ऑलरेडी श्रिंक हो चुकी है, उसके पास नरिशमेंट नहीं जा रहा, इस वजह से श्रिंकेज हो रही है, क्योंकि बार बार बैंग हो रहा है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। अब वो कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन पहले कहीं ना कहीं वो साइलेंटली किलर की तरह एक्ट कर रहा है। तो अब हमें आगे के लिए ध्यान रखना है, किडनी को बचाते हुए चलना है। डेली आप बीपी की चार्टिंग करोगे, वो आप करते हो, ठीक है, उसको मेंटेन करो। एलोपैथिक मेडिसिन जो आप अपनी बीपी की खा रहे हो, अभी नहीं खा रहे, नहीं पहले भी आपकी जो आपने जो बीपीएम करके दे रखी है आयुर्वेदिक, उसी से कंट्रोल है, बाकी वैसा कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। क्योंकि पहले जब उस समय चालू किया था तो मेरा बीपी और भी ज्यादा डाउन आ गया था, जैसे एम्लोकाइंड। तो अच्छी बात है कि हमें एलोपैथिक मेडिसिन की भी नीड नहीं पड़ती है, बट अकॉर्डिंगली चेक करते हुए चीजों को करना है। तो आप इतने अवेयर हो, पर हर एक पेशेंट अवेयर नहीं होता। मैं क्या है कि मेरे को तो पता लगने के बाद सदमा कहने को नहीं मानो कि पूरा, तो जैसे मेरा जो प्रोफेशनल बिजनेस, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, सब कुछ, मेरी उम्र बहुत कम है, इसलिए सब कुछ देखते हुए मेरे को तो डर सा लगा कि ये हुआ क्या। वो बिल्कुल रहता है अब, लेकिन स्टेबल हो माइंड से, कोई अब नहीं, अब डर कोई घबराहट कुछ भी नहीं है। आगे चलते हुए ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि इस बीमारी को लाइफ टाइम मैनेज करते हुए चलना है। तो अगर आपके क्रिटिकल वैल्यूज स्टेबल होने लगते हैं, पेशेंट को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, बस इतना होता है। क्योंकि पेशेंट सबसे पहले कंसर्न के साथ क्या आता है, मेरा क्रिटिकल डाउन है, उसे ये चीज नहीं पता होती, लेमैन को नहीं पता किडनी की फिल्ट्रेशन का होना इम्पोर्टेंट है। क्रिएटिनिन एक वेस्ट मटेरियल है जो किडनी निकालती है, बट ऐसे एन नंबर ऑफ वेस्ट मटेरियल है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। और क्रिएटिनिन दुश्मन नहीं है, दुश्मन है हाइपरटेंशन जो आपके केस में खराब है। तो हमने बीपी को हमेशा ध्यान में रखते हुए चलना है, अपने बाइकार्बोनेट्स को मेंटेन करते हुए चलना है। उसके लिए ना खाजना करना है कि आप खट्टा कुछ नहीं खाओगे, आप चाय कॉफी बिल्कुल बंद रखोगे, वो आप लेंगे नहीं, बंद कर। अगर डाइट पेशेंट अच्छे से फॉलो करता है जैसे डॉक्टर सुमित ने की, तो ट्रेमेंडस रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आप इनकी रिपोर्ट्स में देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ बोलना चाहेंगे हमारे पेशेंट्स? ये है कि मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जिसको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो तुरंत, जैसे देरी ना करके, वो तुरंत इलाज के लिए आयुर्वेद में, ऐसा नहीं सोचे कि आयुर्वेद में इस चीज़ का इलाज नहीं है। कुछ गलत जगह जैसे आयुर्वेद में चला जाता है, जब जाकर उसको इस तरह का नुकसान भुगतना पड़ता है, जिससे कि अदर आयुर्वेद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, कि काफ़ी लोग जो इस प्रोफेशन को बदनाम करते हैं कि साहब आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। बाकी मैंने इस चीज़ को जजमेंट में खुद एज ए डेंटिस्ट होने के नाते मैंने इस प्रोफेशन को जजमेंट किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर प्रगति गुप्ता को कि मेरे को तो इस जंग से लड़ाई जिताई है। आगे के लिए भी आप अभी ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं आपका, और उम्मीद करते हैं कि जितनी रिकवरी आपकी बॉडी में 1 month में दिखाई है, अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो हम एक स्टेबिलिटी की तरफ जल्दी पहुंच जाएंगे, और थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाएगा, और कोई भी डर घबराहट नहीं रहेगा कि हमारे साथ अब क्या हो गया है। तो पेशेंट्स के लिए जरूरी है जल्दी से जल्दी अवेयर होना, अपने रूटीन चेकअप करवाना, सही जगह सही चुनाव करके साईं संजीवनी हॉस्पिटल का चुनाव करें, और वहीं पर जैसे दिखाएं, जैसे जगह का चुनाव करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है इलाज से पहले। यदि आपने इलाज सही जगह नहीं लिया तो आप वहां भी धोखा खा सकते। तो वो ही है कि पेशेंट को अपनी कंडीशन को समझते हुए, हर चीज को पहले जज करते हुए काम करना जरूरी होता है। आगे के लिए आपका डाइट चार्ट मैंने बना दिया, जरूर करवाना है, क्योंकि सारे ही टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ क्रिएटिनिन नहीं है। उस चीज़ को आज आप सब भी समझ लीजिए, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आगे हम भी रिकवरी की तरफ जा सकते हैं, जैसे डॉक्टर सुमित इस टाइम पे फील कर रहे हैं। जैसा कि हमने डॉक्टर सुमित के केस में देखा, इनका केस था इस्टीमिक नेफ्रोपैथी का, जिसमें बीपी की वजह से किडनी नुकसान उठा रही है। मैक्सिमम परसेंट ऑफ द केसेस जो
देखने को मिलते हैं किडनी फेलियर के, वो हाई ब्लड प्रेशर के कारण देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि आजकल की लाइफ स्टाइल में यंग पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस बीमारी से। पहले देखा जाता था एक एज बीत जाने के बाद ये बीमारियाँ पेशेंट को होनी स्टार्ट होती, लेकिन यंग एज में, जैसे इनकी एज अभी 35 है, बहुत से यंग पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको ये बीमारी से जूझना पड़ रहा है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, हमारा गलत लाइफ स्टाइल, हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस ज़रूर है, पर कैसे हम उसे मैनेज कर रहे हैं और अपनी बॉडी को इफेक्ट नहीं करने दे रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप डेली रूटीन में अपना योगा है, एक्सरसाइज है, वॉक है, ज़रूर करो, ताकि हम एक मेंटली स्टेबिलिटी की तरफ रहें, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल भागा दौड़ी वाली लाइफ स्टाइल में हर किसी की लाइफ में पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर से जूझना पड़ रहा है। या हमारा खाना पीना ऐसा रहता है जिसमें हम जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, सॉल्ट कंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उस चीज़ का प्रिकॉशन एक हेल्दी पर्सन को भी रखना ज़रूरी है, ताकि हमारी कंडीशन आगे चलकर हम भी किडनी फेलियर की तरफ ना बढ़े। तो वो ध्यान हम अगर इनिशियली रखते हैं, तो जैसे हम जानते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, उस स्टेज में ही हम बीमारी को रोक सकते हैं। और हाँ, जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं इस बीमारी से, वो साई संजीवनी में जब आते हैं, हम उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो ट्रेमेंडस रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं अगर वो गाइडलाइंस को पूरा अच्छे से फॉलो करते हैं। जैसे कि डॉक्टर सुमित ने पूरा अच्छे से फॉलो किया है, तो उन्होंने सामने अपने रिजल्ट्स भी देखे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए, टेक केयर।